रसोल्ला वसल्लम नज़ुल क़ुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और इसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे इब्ने अब्बास रद अल्लाह ने कहा मैं अपने होंठों को हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे सईद कहते हैं मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इबन अब्बास ताला तैाल को मैंने हिलाते देखा फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए इबन अब्बास रदिल्ल तहों ने कहा फिर ये आयत उतरी क्या है मोहम्मद क़ुरान को जल्द जल्द जल याद करने के लिए अपनी ज़बान ना हिलाओ इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा जिम्मे है हज़रत इबन अब्बास रद्ल तहु कहते हैं यानी क़ुरान आप सल्लासम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है फिर जब हम पढ़ चुके तो इस पढ़े हुए की तबाह करो इबन अब्बास रद्ल तहु फरमाते हैं इसका मतलब यह है आप इसको ख़ामोशी के साथ सुनते रहो इसके बाद मतलब समझा देना हमारे जिम्मे है फिर यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो यानी इसको महफूज कर सको चुनाचा इसके बाद जब आपके पास हज़रत ज़ब्रैल सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते जब वो चले जाते तो रसूल अलैहि वसल्लम इस वही को इस तरह पढ़ते जिस तरह हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ा था सही बुखारी हदीस नंबर पांच